I think we are live. Hi guys, this is RJ Swati from Delhi. Just want to see if you guys are following in. Sab apne ghar pe ho ke nahi ho? Janta Curfew mubarak ho sabko. Okay, so there's a reason why we are here live with you. हम लोग पहले तो चेक कर रहे हैं आप में से कितने लोग घर में से हमें देख रहे हो. एंड ऑल्सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम सब लोग अपने घर के अंदर ऑलरेडी कई दिनों से सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं. एंड यू नो वी आर ट्राइंग टू स्टॉक अप ऑन फूड. एंड जब स्टॉक अप करने जा भी रहे हो आप फूड पे, अगर आप होर्ड नहीं कर रहे हो, सिर्फ थोड़े टाइम का सप्लाई जरूरी रख रहे हो घर में, यू आर एट अ लॉस कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को, राइट? सो आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग टू अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हु इज अ अवार्ड विनिंग डाइटिशियन. शी इज अ कंसल्टेंट टू फोटस ला फेम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. लवनीत बत्रा इज अ नेम एंड शी इज गोइंग टू जॉइन अस इन अ शॉर्ट वाइल ओवर हियर. स्टॉप सेंडिंग मी रिक्वेस्ट देयर टू जॉइन यू इन द वीडियो. ऑल्सो बाय द वे, आज सारा दिन रेड एफएम के सारे आरजेज अपने घर से जनता कर्फ्यू फॉलो करते हुए आपके साथ लाइव शो कर रहे हैं. थोड़ी सी देर में मैं भी आऊंगी, अभी एक बजे आपके साथ बात करने के लिए ऑन द एयरवेव्स ऑफ 93.5 रेड एफएम. बट हाउ इज इट गोइंग यार, लुक एट दिस. मतलब मेरे ये दिस इज माय हाउस टेरेस एंड बाहर यूजली बहुत ज्यादा नॉइज रहता है, यू नो गाड़ियां हैं, लोग हैं. अभी सिर्फ चिड़िया, कबूतर ये सब सुनाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जनता तो छोड़ो, हम लोग तो वी आर इन शॉक कि माय गॉड इतना सन्नाटा कैसे. All the birds are also going like, यार ये इंसान गए कहाँ, गायब कहाँ से हुए हैं अचानक से. They are also like thinking in that zone. So basically, you know, you need to be ready for Lovneet. Like I said, she's a nutritionist and we all want to be in the best of the shape. Summer is here, summer body is not here. So अगर वैसी वाली tension है सबकी life में तो, and especially if you're a person, you know, who's a gymmer and now cannot go to gym, or you're somebody who's worried कि running नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, or maybe you were doing yoga in a yoga studio and you're not so confident of practicing it alone, तो diet एक ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. And अगर आपके कोई सवाल हो टू आस्क दैट यू वॉन्ट मी टू आस्क टू लवनीत, देन ऑब्वियसली बी माई गेस्ट. टाइप इन क्वेश्चन ओवर देयर दैट यू वॉन्ट टू नो. स्पेसिफिकली कोई क्वेरी हो, लेट्स गेट मोर पीपल टू ज्वाइन इन. एंड आई थिंक लवनीत शुड बी ज्वाइनिंग मी यार बहुत जल्दी. ये तो अच्छा हुआ मैं आज नहा ली, वरना यूजली ऐसे में नहाती. लेट अ कनेक्ट. हाई एवरी वन, या हाई हरी राम पटेल 2233. हाई Red go. Oh wow, Lovneet. Hi Lovneet. Hi. Welcome to the Red FM India live, Insta live. Hi Swati. Thank you. How are you? How's the Janta Curfew going for you? Good, actually. It's easy because it's Sunday today, so I'm really looking. I was looking forward to it, just being home and being with family. That you know, thank God I had a bath today. Usually otherwise on a Sunday is just like very difficult in my family for people, you know, push me to have a bath. Varna tumse bina nahi koi baat kar rahi. Very cool comments are coming in. People are calling in from London, people are saying hi to you. Hello. Basuda is said hi to us. She's doing our podcast for nutrition. Yes, beauty she's doing, she's a writer. So, all right, tell me, Janta Curfew, first, so your thoughts on that as a nation. We are a nation of 136 crore population. We are inside today. So, some words on that. Right. I think it's much needed for us to take responsibility and respect the situation we are in. And it is so important. And I really hope and pray that we get out of this stronger as a nation together. And we'll get through this. सारे दिन से डू यू हैव दिस अर्ज ऑफ स्टेपिंग आउट एंड देन रियलाइजिंग कि ओ नहीं आज नहीं, आज जनता कर्फ्यू, ऐसा अर्ज हो रहा है भी सारे दिन से अभी तक? वी आर एक्चुअली आई एम नॉट दैट पर्सन. आई लव स्टेइंग इनडोर्स बिकॉज़ ऑफ माय प्रोफेशन. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. ये ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज़ ऑफ द सोशल कर्फ्यू एंड जनता कर्फ्यू ना, एवरीबॉडी इज नाउ ट्राइंग टू से कि ये तो मेरा लाइफस्टाइल ही था नॉर्मली, इसको जनता कर्फ्यू. I don't believe you, someone like you who's like a consultant to like Porters Love Them, Sports Authority of India, who you are a celebrity nutritionist, you cannot be somebody who stays indoor. No, everybody who knows me knows that I'm one person. बहुत खुशी से सुबह 5 बजे उठ के I was like, oh, आज तो घर पे ही रहना है. So you know, it's trust me. I hope the happiness is there on my face of staying in home. At the same time, there's a little bit of stress. चमक रही हो तुम, बहन बहुत चमक रही हो तुम. फिर कहते हैं हमारी अभी नादों की भी शक्ल ऐसी है. So
what's cooking in the kitchen, Lovneet? We are a nation which loves to eat food. We love our food, and equal amounts may we want to be healthy also. So, especially yes. we are just giving an advice sab logo ko ki hoard nahi karna hai. Aap stock kar sakte ho. In India, वैसे भी हम लोग हमारे घर के अंदर मम्मी वगैरह वर्किंग लोग ओल्ड एज जो है बड़ा परिवार होता है तो खाना हमेशा सब लोग ज्यादा ही रहता है सबके घर में बाय डिफॉल्ट रहता है बट व्हाट एग्जैक्टली शुड वी बी लुकिंग एट राइट नाउ इन टाइम्स लाइक दिस एंड से मे बी अगर हमें सेल्फ आइसोलेशन और दिनों तक प्रैक्टिस करनी है या मे बी हम लोग एज अ नेशन कंप्लीट लॉकडाउन पे जाते हैं व्हाट मोर शुड बी लुकिंग एट इन आवर फूड आइटम पैंट्री में हमारे आई फील दिस इज द टाइम टू लुक एट बैलेंस जो हमारे इंडियन किचन्स में फॉर्चुनेटली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सैडली इन एन एफर्ट टू स्टे सो कॉल्ड फिट एंड हेल्दी हम एक्चुअली वो बैलेंस कहीं खो रहे थे सो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट वी गेट बैक टू बैलेंस आप मानोगे नहीं मेरे घर में तो आज पनीर पराठा बनाया सुबह ब्रेकफास्ट में एंड आई लव 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 ईटिंग माई पराठाज एवरी मॉर्निंग बिकॉज ए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो आई थिंक इट्स yeah, it's very healthy. We have so many myths around healthy eating. It's so, you know, it's a wholesome meal. And aise hi jo hamare Indian dishes hain, be it dal chawal, be it khichdi, be it upma, with everything. Like you don't have to delete your ghee or your mustard oil or matar or peanuts thinking that it's rich in calories. And you know, jab when there is time of adversity, jab aisa time aata hai, to actually hume realize hota hai ki kya matter karta hai. To aaj actually, as a nutritionist, wo ek bread ka piece jo brown bread aayegi 50 rupees mein, jisme 10 hi piece honge, that is more important. Or eating something jo mere ghar mein hai, jo rahega, stock hai, chawal or aata or poha is more important. I understand what you're saying. To make that choice, and picking the right stuff. मुझे इतनी क्वेरीज आ रही हैं अबाउट नाउ टेल मी हाउ टू बी हेल्दी हाउ टू बिल्ड माय इम्यूनिटी एज अपोज टू अर्लियर पीपल वुड बी लाइक मैं कैसे वेट लूज करूं कोई बात नहीं शादी आ रही है बस 4 kilo वेट कम करा दो मैं हेल्दी बाद में हो जाऊंगी यू नो सो नाउ हैंगे पे फिट आना है उसके बाद हमें वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर हेल्थ आई टोटली एग्री प्लीज टेल मी दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग की इम्यूनिटी कैसे करनी चाहिए बिकॉज मार्केट्स में आंवले का जूस जो है हमारे सिट्रस में आमला में ऑरेंजेस में लेमन में विटामिन सी होता है और ये सबको पता है बट मेनी थिंग्स पीपल आर मिसिंग आउट ऑन टू बिल्ड योर इम्यूनिटी इट्स नॉट जस्ट विटामिन सी दैट यू रिक्वायर और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं इन्फ्लेमेशन फाइट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये होंगे विटामिन्स ए ई डी स्पेशली एंड आई एम मोर एम्फसाइजिंग ऑन डी क्योंकि मोस्टली लोग डी में डेफिशिएंट होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट है बिकॉज़ ऑफ आवर लाइफस्टाइल हम लोग सन में ज्यादा एक्सपोज नहीं होते बिकॉज़ वी वर्क इन क्लोज्ड ऑफिसेस इन क्लोज्ड एरियाज वी डोंट गो आउट मच आई एग्री एग्जैक्टली और फूड में विटामिन डी इजीली मिल नहीं सकता सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक सप्लीमेंट्स And it's very important for your immunity building. अगर हम खाने की बात करें जैसे आपने आमला बोला आमला विद जिंजर स्पेशली अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम एजमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एलर्जीज बहुत ईजिली हो जाती हैं देन यू कैन यूज दिस इन फैक्ट ये सीजन फ्लू सीजन होता ही है जब ये सीजन चेंज होता है सो फ्लू इज देयर इन द एयर एंड कोकोनट ऑयल विच इज हाई इन लॉरिक एसिड कैन रियली हेल्प एंड आप ये भी देख रहे होंगे काफी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट टेकिंग हल्दी एंड मैं काफी ये देखती हूँ कि लोग हल्दी पानी में डाल के लेते हैं विच इज नॉट द बेस्ट वे टू हैव हल्दी कैसे कंज्यूम करी जाए बिकॉज ऐसे कैसे करें मतलब कंज्यूम एग्जैक्टली सो टेक रॉ हल्दी एंड यू कैन पुट दैट इन कोकोनट ऑयल विद ब्लैक पेपर कॉर्न एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एक्टिवेट द कर्क्यूमिन एंड यूटिलाइज इट इन योर बॉडी And all three are very, very potent in building your immunity. So, आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आप ये ले सकते हैं. Another thing which I would like to, I'll take this one spoon. It's a concoction. मैं बनाऊंगी हल्दी पाउडर और. हाँ, take one spoon. You can heat it up a little bit. Wow. Okay, that's yeah. good. So, it's a beautiful, beautiful thing to start my day. But I'm going to start doing it. Yes, so, and you will feel if there's a little bit of soreness in the throat for any reason. That will you'll feel better and second
Because you said about allergies and flu, right? And there's, I have in my family somebody who's an asthmatic patient, chronic asthma patient. There is something I would want you to elaborate on especially people who can do a little bit of these household things, which are actually the right way to go. Exactly. So another very good way to keep the allergies and flu away as a prevention would be tulsi leaves. So you take 4 or 5 tulsi leaves and you boil it in water and have that water warm instead of just chewing on tulsi leaves because of the mercury content, it can erode your teeth enamel. So it's better to have it as a aqueous solution. So I feel yahan par ye bhi bahut zaruri hai ki aap kaun sa superfood kaise le rahe hain. आमला जिंजर आप फ्रेश लीजिए, हल्दी आप फैट मीडियम में लीजिए, तुलसी का आप पानी लीजिए, इवन गिलोय का विच इज एन एंटीवायरल इन नेचर, यू टेक अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट एंड गिलोय, एवरीबॉडी इज टेकिंग गिलोय दीज डेज, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट इट्स वेरी पोटेंट एज अ एंटी फ्लू एंटीवायरल एजेंट, सो डोंट ओवर डू द क्वांटिटी. इफ यू आर मेकिंग अ कॉन्कॉक्शन विद लीव्स और विद द स्टेम, 10 ml, which is जो हमारा regular चम्मच होता है, उतना is more than enough for a day. If you already don't have any cough, cold, fever, don't overdo these things. Yeah, I mean excessive bad immunity बचाने के चक्कर में इतना मत overload कर दो that your system does not know कौन सा ले लूँ पहले, आमला ले लूँ पहले अंदर या अदरक. Exactly. और panic मत कीजिए घर में. If you are home and you are maintaining social distancing, you should be fine. Just take it easy, stay calm, be with your loved ones. Okay. I feel another important point is people are using hand sanitizers a lot. Yeah. Hand sanitizers. And that, right. So that kills even all the bacteria, right? Even the good bacteria that we have. And that's why taking probiotics at this time is so important. So homemade dahi or kanji if you make it at home. Market mat chale jana probiotic khareedne ke liye. You don't need to. Exactly. Don't do shopping for everything that Lovneet is saying. Lovneet, especially I want to talk about, bahut dukhti rag hai, humare office mein bhi kahi log aise hain. Main itni hectic nahi hu. I was a light gym goer. Wo vichare kya kare? जिम वाली बॉडीज मस्कल वस्कल बनाने वाले लोग उनके तो अब ढीले पड़ जाएंगे अभी. व्हाट इज द काइंड ऑफ डाइट दीस गाइस हु आर पंपिंग अप द आयरन, यू नो, व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट? सो यू नो द फैंटास्टिक थिंग अबाउट आवर बॉडी इज कि हम इसको जैसे एनवायरनमेंट में रखते हैं वैसे वैसे ही अडैप्ट करने लग जाती है. एंड जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे थे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रॉन्गर है एज अपोज टू पीपल हु आर नॉट वर्किंग आउट. सो लाइक आई सेड, जब ऐसा टाइम आता है तो जो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की होती है वो ज्यादा मैटर करती है, राइट? सो अचानक इम्यूनिटी बढ़ाने तो एकदम से दो दिन में नहीं बढ़ जाएगी. एक्टिवेट एवरीडे रिलीजियसली फॉलो अ डिसिप्लिन, दैट्स हाउ यू गो. यस. सो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बताया आपने. तो जिम वालों के लिए फटाफट से बता दो हाउ दे कैन, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को होती है ना, प्रोटीन. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज द टाइम टू गेट बैक टू नॉन इन्फ्लेमेटरी प्लांट बेस्ड प्रोटीन. सो दाल्स भले ही कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं, बट इफ यू मिक्स इट विद चावल और हैव इट विद दलिया और आवर रेगुलर रोटी, इट कैन बी अ फैबुलस प्रोटीन व्हिच योर मसल्स विल यूटिलाइज. सो सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर बिल्डिंग मसल, बट दाल्स में सिलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक भी होता है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है. तो हैव 3-4 सर्विंग्स ऑफ दाल इन अ डे. तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना? एग्जैक्टली. ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग एंड नट्स एंड सीड्स एंड नट्स एंड सीड्स आई थिंक वो तो है ही. घर में मम्मी ने बचपन से लेके आज तक जितने भी बादाम खिलाए उनका टेस्ट आ जाए कि वो बादाम हम लोग को जो भिगो के खिलाए हैं वो अब फायदे में आएंगे कि नहीं आएंगे. एग्जैक्टली. And I think we are very lucky, so fortunate. हमें इतनी knowledge already हमारी mom से मिलती है, grandmother से मिलती है, जो हम for granted लेते हैं. But trust me, मैं जिससे बात कर रही हूँ उन्हें already ये home remedies पता है and they are like, हम तो ये already कर रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे रोज दे ही रही है. Very nice. You've told us the right way to take it. जैसे तुलसी ले रहे हैं तो आप पानी में लें, आप हल्दी ले रहे हैं तो उसको काली मिर्च और कोकोनट के साथ लें. The way you've told is to use these remedies which you already knew. I think that's going to maximize the positive outcome of it. That's what I would like to say and end this now because I've been so much. Now 1 o'clock. I'm doing. हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे रिदम के RJs all across the network are live with you. 7 बजे से लेके 9 बजे तक. And of course 5 बजे का क्या प्लान है Lovneet? Clapping. Tali, CT, what are you going to do 5 o'clock today? I wish main CT baja sakti. Main zarur CT bajati.
I'm gonna practice actually. Good idea. Okay, you stand. Yeah. तेरे साथ मत रहो और बिगड़ जाओगी पता चला तुझे फिट और क्या क्या बनाना है. Thank you so much, Swati. You can follow her on her. Thank you, Swati. She's a certified nutritionist, a consultant with Fortis La Femme, Sports Authority of India. She's a fantastic person, and of course, you can tune into her nutrition podcast on Red FM India podcast also. All right. Thank you so much. It was lovely. You take care. Stay safe. And take care. Stay safe. हमने मोबाइल फोन पे बात करी हमने हाथ धोने अंदर जाके. Yes. Bye. Bye. Take care. You too, bye.